जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। युवक के इलाज के दौरान हुई मृत्यु, वाहक चालक के खिलाफ कार्यवाही, पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक की हुई चोरी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। युवक के इलाज के दौरान हुई मृत्यु, भंडारा में पिकअप वाहन के टक्कर से गंभीर रूप से घायल एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यह दुर्घटना विगत 10 सितंबर को सामने आई। मृतक ग्राह लोहारे निवासी युवक रूपेक धनवारे हैं, जो कि पुलिस के मुताबिक रूपेक विगत 20 अगस्त को 4 महीने वाहक से टक्कर मारने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। नागपुर के एम्स अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नागपुर से प्राप्त दस्तावेज के आधार पर आधवाला गाँव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाहन चालक के खिलाफ हुई कार्रवाई, भंडारा में यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाले वाहक चालकों के खिलाफ 11 सितंबर को कार्रवाई की गई। आरोपी चालक में कुंभाली निवासी रोहित बर्वे, लाखनी निवासी नरेंद्र दुबे, नरेश खोबरागड़े, सतीश मेश्राम शामिल है। वजह ये थी कि रास्ता अवरुद्ध किए जाने पर पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक की हुई चोरी, गोंदिया में रामनगर थाना अंतर्गत श्रेंडे बंधु पेट्रोल पंप पर पार्क वाहन से 30 से 25 वर्षीय अज्ञात युवक ने चोरी कर ली। यह दुर्घटना 12 सितंबर की रात 12:30 बजे के दरमियान हुई। गौरीनगर के राजगोपाल वार्ड निवासी प्रभादीप भटिया के ट्रक को ट्रक ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर पार्क किया था। ट्रक की कीमत 6.50 लाख रुपये बताई गई। प्रभावित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहित की धारा 303 के तहत मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त तो शायद दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वॉचिंग MNS न्यूज।